Hello, my dear students. Today, I'm going to teach you the lesson, and the name of the lesson is so very ironical. And it's the last lesson. And the last lesson has been written by Alphonse Daudet. There's war, ek yudh hua tha, between Prussians and France. France ke beech mein, Prussians ke beech mein yudh hua tha. And Prussians were led by Bismarck. Prussians ko Bismarck ne led kiya tha. He was a military officer, ek military officer tha. Aur usne Prussians ne kya kar liya, French country ke upar vijay prapt kar li. Aur uske baad, wo French country ke upar Prussians keval rule hi nahi karna chahte the, balki they wanted to snatch their language. Unke language ko bhi, yani फ्रेंच लैंग्वेज को भी छीन लेना चाहते थे और फ्रेंच लैंग्वेज इज द सोल ऑफ द कंट्री. ये कंट्री की आत्मा समझी जाती है, एक देश की आत्मा समझी जाती है, यानी कौन समझी जाती है, लैंग्वेज, भाषा ही एक देश की आत्मा समझी जाती है. नाउ फ्रांस इज द नरेटर ऑफ दिस स्टोरी. फ्रांस कौन है, इस स्टोरी का नरेटर है. हियर नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू फ्रांस. When France was going, to the school. जब फ्रांस क्या कर रहा था, स्कूल की तरफ जा रहा था. Then he was very late for the school. वो क्या हो गया था, बहुत ज्यादा लेट हो गया था. And he was also very much afraid of Mr. Hamel. Mr. M. Hamel. M का मतलब होता है Mr. Hamel. Who was the French teacher? कौन थे वो French teacher थे. And he was a very डिसिप्लिन टीचर. वो क्या थे, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन टीचर थे. रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो किया करते थे, नियमों का पालन किया करते थे. और ये इसकी वजह से ये क्या हुआ था, लेट हो गया था फ्रांस, लेट हो गया था. एंड दैट्स व्हाई ही वाज वेरी मच अफ्रेड ऑफ. एंड ऑन द अदर साइड ही हैड नॉट लर्न द लेसंस ऑन पार्टिसिपल्स. उसने पार्टिसिपल्स पे क्या किया था, लेसन भी नहीं याद किया था जो मिस्टर हैमल ने उसको दिया था. पार्टिसिपल्स का मतलब एडजेक्टिव्स होता है, विशेषण होता है. वो उसने भी उनको भी याद नहीं किया था. और उससे सोचा कि मैं क्यों नहीं स्कूल से क्या कर जाऊं, बंक मार जाऊं. क्योंकि वहां पर चीजें उसको क्या कर रही थी, टेम्पटेशन को मतलब होता है चीजें क्या कर रही थी, प्रलोभित कर रही थी, प्रलोभन दे रही थी. देखिए आकर्षण और प्रलोभन में क्या होता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है. तो वो चीजें जो लालच पैदा करती हैं, वो क्या है, प्रलोभित करना. वो मौसम भी क्या था, बहुत ज्यादा प्लेजेंट था. इट वॉज सो वार्म, सो ब्राइट. मौसम क्या था, बहुत ज्यादा वार्म था, बहुत ज्यादा ब्राइट था. एंड द बर्ड्स वर चिपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स. और जंगल के किनारे टहनियों पर बैठ करके चिड़ियाएं क्या कर रही थी, चहचहा रही थी. एंड द प्रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग एट द बैक ऑफ द सॉ मिल. हियर द सॉ मिल, जो आरा मशीन की फैक्ट्री होती है, जहां पर लकड़ी काटे जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉ मिल. तो वहां पर सॉ मिल के पीछे क्या कर रहे थे प्रशियन सोल्जर्स, मार्चिंग कर रहे थे. ड्रिलिंग का मतलब होता है मार्चिंग कर रहे थे. और It was tempting him a lot. Whom? France को क्या कर रही थी, बहुत ज्यादा ये लालच पैदा कर रही थी, प्रलोभित कर रही थी. And that's why he decided that he must have to bunk. लेकिन he had a great will power. वो क्या था, बहुत ज्यादा उसकी इच्छा शक्ति थी. And that's why finally he decided that he must have to go to the school. उसको कहाँ जाना चाहिए, स्कूल को जाना चाहिए. किसको स्कूल को जाना चाहिए, फ्रेंच को स्कूल को जाना चाहिए. Now on the way there was a town hall. वहां पर रास्ते में क्या पड़ता था, स्कूल के रास्ते में एक टाउन हॉल पड़ा हुआ करता था. और टाउन हॉल के पास एक बुलेटिन बोर्ड हुआ करता था. एंड फॉर द लास्ट टू ईयर्स, लास्ट दो साल से वहां पर बैड न्यूज आया करते थे. किसके लिए, फ्रेंच पीपल के लिए बैड न्यूज आया करते थे. वो बुलेटिन बोर्ड ही क्या था, उनका माध्यम था, साधन था, जिससे वो क्या करते थे, न्यूज पढ़ा करते थे. और वहां पर न्यूज लिखा होता था वेयर द फ्रेंच आर्मी हैड लॉस्ट देयर बैटल्स. कहां कहां का पोस्ट उन्हें क्या कर दिया है, गंवा दिया है. एंड द ड्राफ्ट, ड्राफ्ट का मतलब होता है ऑर्डर्स ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द पीपल टू सर्व इन द आर्म्ड फोर्सेज. लोगों का क्या है, सैनिकों के रूप में क्या करना चाहिए, देश के लिए काम करना चाहिए, वो क्या होता है, ड्राफ्ट होता है. एंड ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स, और क्या क्या ऑर्डर हुआ करते थे, उसको भी वो जाना करते थे. यही तीन
बुलेटिन बोर्ड पर लगा रहता था, लेकिन स्कूल नाउ व्हेन व्हेन फ्रेंड्स वाज रनिंग, जब वो फ्रेंड्स क्या कर रहा था, दौड़ रहा था, बहुत अपने एफर्ट के साथ दौड़ रहा था, सडनली ही वाज सीन बाय अ ब्लैकस्मिथ, उसको एक ब्लैकस्मिथ ने देखा, उसका नाम क्या था, वॉस्टर था, और उसके बाद वो अपने अप्रेंटिस के साथ खड़ा था, अप्रेंटिस का मतलब हेल्पर होता है, सहायक के साथ खड़ा था, कौन खड़ा था, वॉस्टर खड़ा था, और वो क्या था, ब्लैकस्मिथ था यानी लोहार था, और वो अप्रेंटिस के साथ खड़ा था यानी कि अपने असिस्टेंट और हेल्पर के साथ खड़ा था, और उससे सडनली बोला, हे फ्रेंड्स, हे लड़के, हे बब, यू डोंट नीड टू रन सो फास्ट, तुझे ज्यादा तेज दौड़ने की जरूरत नहीं है, यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम, मीन्स फ्रेंड्स हैज अ लॉट ऑफ टाइम फॉर द स्कूल, फ्रेंड्स के लिए बहुत ज्यादा समय बचा है स्कूल जाने के लिए. नाउ फ्रेंड्स थॉट, फ्रेंड्स ने सोचा, it might be possible that he was mocking at him, wo kya kar raha hai, uska mazak bana raha hai, he was making a fun of him, making a fun of him ka matlab wo mazak bana raha hai, iska matlab ye hua ki wo already friends kya hai, school ke liye late hai, to ye bol raha hai, matlab Mr. Black explained, yani ki Worcester bol raha hai ki tumhare paas abhi bhi bahut zyada school jane ke liye samay bacha hua hai, and then without stopping, without taking a breath, वो क्या करता है, सांस लिए बगैर वो क्या करता है, मिस्टर हैमल के गार्डन में पहुंचता है, एंड what he saw, he was very surprised, वो क्या हो जाता है, बहुत surprised हो जाता है, चकित हो जाता है, stunned हो जाता है, and what he saw that there's no hustle and bustle, वहां पर कोई bustling नहीं है, bustling का मतलब a lot of noise, वहां पर स्कूल में क्या होता है, बहुत ज्यादा noise होती है, जब स्कूल क्या होता है, खुलता है तो स्कूल के में बच्चे जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, बहुत ज्यादा शोरगुल होता है, and there's no sound of opening and closing of the drawers, और opening and closing of the drawers की भी आवाज नहीं आ रही थी, और जैसे बच्चे क्या करते हैं, इस तरीके से बच्चे जो होते हैं अपने हाथ को कान पर रख के क्या करते हैं, lessons को repeat करते हैं, ताकि वो क्या है, class में बहुत ज्यादा confusion होता है, जब क्या होती है, बहुत ज्यादा शोरगुल होती है, हम अपने lessons को क्या करते हैं, concentration के साथ याद करने की कोशिश करते हैं, तो वो क्या है, कुछ बच्चे ये भी नहीं कर रहे थे, and here opening and the closing of the drawers, lessons repeated in unison, knocking off. Now here, the teacher, Mr. Hamel was not knocking the ruler on the table. मतलब टेबल पर वो क्या कर रहे थे, डंडे को भी नहीं मार रहे थे, सो दैट ही कुड मेक अ साइलेंस इन द क्लास, ताकि वो क्या कर सके, क्लासरूम को साइलेंस कर सके, चुप्पी मतलब चुप कर सके, बिकॉज मिस्टर हैमल वाज अ वेरी डिसिप्लिन टीचर, वो क्या थे, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन टीचर थे, और वो बहुत ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस के आदमी थे. देन व्हाट ही सॉ, फ्रेंड्स सॉ, नाउ देयर्स अ लॉट ऑफ सरप्राइजेस, and it was looking like a Sunday school. Why was it looking like a Sunday school? Because there's no school on Sunday. School Sunday ke din kya hota hai? Nahi hota hai. All classmates already in their places. Now, when he was going to the school, and when he was going to enter into the school, जब वो क्या करने के लिए कोशिश कर रहा था, अपने स्कूल में एंटर करने की कोशिश कर रहा था, अपने क्लासरूम में एंटर करने की कोशिश कर रहा था, तो वो सोचता है कि वहां पर क्या होगा, बहुत ज्यादा कमोशन होगा, कमोशन का मतलब होता है कंफ्यूजन, वो शोर शराबा बहुत ज्यादा होगा, और मैं अपने पीछे वाले बेंच पर जाऊंगा और अपने मित्र को बोलूंगा, हे खसक, तो वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा खसक जाएगा, और मैं क्या कर जाऊंगा, वहां पर साइलेंटली बैठ जाऊंगा, लेकिन इट वॉज लुकिंग लाइक अ संडे स्कूल, ये क्या नजर आ रहा था, संडे स्कूल की नजर, और अभी भी सारे बच्चे क्या होते रहे थे, अपने अपने सीट्स पर बैठ गए थे, और एम हैमल वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन, वो अप एंड डाउन क्या कर रहा था, चल रहा था, यानी इधर उधर जा रहा था, जैसे कि इधर लाइक दैट, इधर जा रहा था लाइक गब्बर सिंह की तरह, अपने टेरेबल आयरन रूलर को अपने आर्म के नीचे रख करके जा रहा था, लेकिन वो जब वो क्या किया, उसको हिम्मत नहीं हो रही थी, फ्रेंड्स को हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो क्या करे, स्कूल के क्लासरूम में एंटर हो जाए, लेकिन उसने सोचा
कि नाउ यू कैन इमेजिन, आप ही इमेजिन कर सकते हो, आप ही कल्पना कर सकते हो, हाउ आई ब्लश्ड, ब्लश्ड का मतलब अशेम्ड, मेरे को कितनी ज्यादा अशेम्ड का मतलब मेरे को कितनी ज्यादा शर्म आ रही थी, और मैं कितना ज्यादा फ्रेटेंड था, यानी कि मैं कितना ज्यादा डरा हुआ था। कौन ज्यादा डरा हुआ था? अब कौन किसको शर्म आ रही थी? फ्रेंड्स को बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी। तभी मिस्टर हैमल ने फ्रेंड्स को देखा और उसने फ्रेंड्स को परमिशन दे दिया, मिस्टर हैमल ने फ्रेंड्स को परमिशन दे दिया कि तुम आ जाओ, क्लास में एंटर हो जाओ, एंड ही वॉज गोइंग टू स्टार्ट द लेसन विदाउट हिम। वो उसके बिना ही क्या कर रहा था, लेसन को पढ़ाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जैसे ही he got the means friends got the permission, जैसे ही friends क्या करता है, permission को get करता है by Hamel, Mr. Hamel के द्वारा get करता है, he jumped over his desk, अपने bench के ऊपर क्या करता है, उछल करके बैठ जाता है, और जब तक वो अपने डर के ऊपर काबू नहीं कर पाता है तब तक वो Mr. Hamel को नहीं देखता है। And what again he was seeing some surprises. Again he was watching some surprises. फिर से वो कुछ क्या कर रहा है, surprises देख रहा है, क्योंकि on that day what he saw that Mr. Hamel was wearing his green coat, वो अपने green coat को पहने हैं और frilled shirt, designing shirt को पहने हैं। This is ये designing shirt, ये ऐसा नहीं है मनीष मल्होत्रा ने क्या किया है, इसको डिजाइन किया है, इसका मतलब किसी किसी अच्छे से टेलर ने उसको क्या किया होगा, डिजाइन किया। लेकिन और उसने क्या बना पाना था, एक तो ग्रीन कोट पहना था, फील्ड शर्ट पहना हुआ था, डिजाइनिंग शर्ट पहना हुआ था, एंड अ ब्लैक सिल्क कैप ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, जहां पर क्या किया जाता है, कढ़ाई की जाती है, सिल्क की कढ़ाई की, और उस तो वो क्या पहना हुआ था, हैट भी पहना हुआ। बट मिस्टर हैमल यूज टू वेयर सच काइंड ऑफ ड्रेसेस, सच काइंड ऑफ ड्रेसेस और यूनिफॉर्म on the inspection days or on the prize distribution day. या तो inspection day पे पहना करते थे, कौन पहना करता था, Mr. Hamel पहना करते थे inspection day पर या prize distribution day पर। लेकिन वहां पर ना तो यहाँ पर क्या था, prize distribution day था और ना ही क्या था, inspection day था, लेकिन यू क्यों पहना हुआ था। And besides, और उसके अलावा सारी चीजें क्या नजर आ रही थी, सोलेम, सोलेम का मतलब सीरियस नजर आ रही थी और बहुत ज्यादा पीसफुल नजर आ रही थी, शांति ही शांति नजर आ रही थी। लेकिन द मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग वॉज दैट व्हेन ही लुक्ड एट द बैक बेंचेस, जब वो बैक बेंचेस की तरफ देखता है तो ही सरप्राइज्ड अ लॉट, वो क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड हो जाता है। The village people were sitting there. गांव के लोग वहां पर बैठे हुए थे back benches पर। Usually the back benches were empty. Back benches क्या हुआ करती थी, empty हुआ करती थी, खाली हुआ करती थी। लेकिन उस दिन क्या हो रहे थे, गांव के लोग वहां बैठे हुए थे। Old Hauser was sitting there with his three-cornered hat. थ्री कॉर्नर हैट पहन करके क्या वो हुआ था, बैठा हुआ था। एंड फॉर्मर पोस्टमास्टर वाज सिटिंग देयर, फॉर्मर पोस्टमास्टर भी बैठा हुआ था, फॉर्मर मेयर वाज आल्सो सिटिंग देयर, एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, और बाकी के गांव वाले भी बैठे हुए थे, और सभी लोग क्या नजर आ रहे थे, सैड ही नजर आ रहे थे। लेकिन उसने सोचा कि क्या मैटर है, किसने सोचा, फ्रेंड्स ने सोचा कि मैटर क्या है, मुद्दा क्या है, ये लोग इतना ज्यादा सीरियस क्यों बैठे हैं। सडनली मिस्टर Hamel mounted his chair, अपने चेयर से क्या होते हैं, खड़े होते हैं, and grieve sad tone में बोलते हैं कि he is going to deliver the last lesson. वो क्या कर रहे हैं, French language का last lesson क्या कर रहे हैं, deliver करने वाले हैं, and that's why they must have to hear him with a great concentration. ग्रेट कॉन्सेंट्रेशन के साथ आप उनको सुनिए, फ्रेंच लैंग्वेज को मैं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये लास्ट लेसन पढ़ा रहे हैं, क्योंकि जर्मनी से ऑर्डर आया है कि द जर्मन लैंग्वेज विल बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन। एल्सेस और लॉरेन के स्कूल में कौन सी लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, केवल जर्मन ही लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, और ये ऑर्डर कहाँ से आया था, बर्लिन से आया था। ओह फ्रेंड्स अगेन, फ्रेंड्स सरप्राइज अगेन, फिर से फ्रेंड्स क्या होता है, सरप्राइज। अच्छा ओ द रिचेस, हे भगवान, ये तो वही न्यूज था जो लोग क्या कर रहे थे,
टाउन हॉल के पास बुलेटिन बोर्ड जो लगा हुआ था उस पर पढ़ रहे थे। इसका मतलब वो मेरे साथ मींस मतलब वॉस्टर ब्लैक स्मिथ मेरे साथ क्या कर रहा था, फ्रेंच के साथ मजाक नहीं कर रहा था, ही वॉज गिविंग द न्यूज। वो क्या करने जा रहा था, न्यूज दे रहा था कि अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, आगे से जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाया जाएगा। नाउ नाउ व्हाट अ थंडर क्लैप, ऐसा लगता है कि फ्रेंच के ऊपर क्या हो जाता है, वज्रपात हो जाता है। थंडर क्लैप का मतलब लाइटनिंग पड़ जाती है, बिजली कड़क जाती है, बिजली कड़क कर क्या हो जाती है, गिर जाती है, उसका मतलब वज्रपात हो जाता है। ओह व्हाट अ थिंग, कैसा ही बात है। ही डजंट नो अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, अभी भी फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में वो कुछ भी नहीं जानता है। किस तरीके से फ्रेंच लैंग्वेज को रीड किया जाता है, किस तरीके से पढ़ा जाता है, किस तरीके से लिखा जाता है, वो ये भी नहीं जानता है। वो क्या करता था, यूजुअली वो स्कूल के समय अपना टाइम वेस्ट किया करता था, या तो बर्ड्स के एग्स को सीक किया करता था, उनके बर्ड्स के एग्स को घोंसले में खोजा करता था, या सार नदी के किनारे क्या किया करता था, वो फिसला करता था और वो अपने टाइम को वेस्ट किया करता था। लेकिन वो फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में कुछ नहीं जानता है। जो फ्रेंच लैंग्वेज जो क्या है, फ्रेंच का ग्रामर था वो उसके लिए बहुत ज्यादा कठिन प्रतीत होता था, और हिस्ट्री भी उसके लिए क्या थी, बहुत ज्यादा कठिन लगा करती थी, पढ़ने में बहुत ज्यादा हार्ड हुआ करती थी। तो उसने सोचा कि अब क्या है, ये चीजें क्या होने लगी है, इजी होने लगी है। और जो बैग वो क्या करता था, कैरी करता था अपने कंधे पर, वो भी क्या नजर आ रहा था, हल्का नजर आ रहा था। उसमें जो बुक्स पड़े हुए थे वो क्या हो रहे थे, उसके लिए भारी नजर नहीं आ रहे थे, हैवी नजर नहीं आ रहे थे। और मिस्टर हैमल के बारे में भी सोचा उसने कि भले ही उनका रवैया क्या है, बहुत ज्यादा क्रैंकी है, बहुत ज्यादा वो क्रेजी हैं, बहुत ज्यादा वो सनकी हैं, लेकिन वो मिस्टर हैमल को भी अब क्या है, वहां से जाने नहीं देना चाहता था, उस कंट्री को छोड़ करके जाने नहीं देना चाहता था। ये कौन सोच रहा है, फ्रेंच सोच रहा है। लेकिन ओह शिट, दैट्स व्हाई ही वाज वेयरिंग हिज फाइन संडे क्लोज। देखिए फाइन संडे क्लोज, जब हम चर्च में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, वेल मैनर्ड होके जाते हैं, अच्छे से कोट लगा के जाते हैं, शूज पहन करके जाते हैं, टाई पहन करके जाते हैं, और फिर पैंट अच्छा पहना करते हैं। और इसी तरीके से वो भी मिस्टर हैमल भी पहने हुए थे, यानी संडे को ही क्या है, चर्च में ये लोग क्या करते हैं, वहां पर प्रार्थना की करने जाते हैं। और उसके बाद हमारे पंडित तो क्या करते हैं जी, भले ही उसमें ये क्या करेंगे, जो कुछ बांध लेंगे, यहाँ पर वस्त्र डाल लेंगे, और उसी तरीके से वो क्या कर लेंगे, पूजा भी कर लेंगे। लेकिन वो वेल मैनर्ड में चर्च में क्या करते हैं, जाते हैं। आफ्टर दैट ही सेड ही थिंक्स इट मीन्स दैट व्हाई द विलेज पीपल वर सिटिंग देयर, ये विलेज के लोग क्यों यहाँ बैठे हैं। अब फिर से वो सोचना शुरू करता है। Now he understood the importance of the native language. This is the French language. Here, now French understood. अब French understand करता है, समझ पाता है कि क्यों village people वहाँ पर बैठे हैं, क्योंकि अब उनका लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज उसका उनके पास नहीं रह गया है, अब वो जर्मन लैंग्वेज के द्वारा क्या कर लिया गया है, छीन लिया गया है, और वो वहाँ पर जर्मन लैंग्वेज को भी पढ़ाया जाएगा। इसलिए वो क्या है, अपने देश के प्रति, फ्रांस के प्रति क्या करने आ रहे थे, क्या करने आए हुए थे जी, अपने ट्रिब्यूट को देने आए थे, अपनी श्रद्धांजलि को देने आए थे, अपने रेस्पेक्ट को देने के लिए आए थे। कौन देने आए थे, विलेजर्स देने के लिए आए थे, और मिस्टर हैमल को भी वो रेस्पेक्ट देने के लिए आए थे, जो मिस्टर हैमल 40 इयर्स से 40 सालों से वो क्या कर रहे थे, सर्विस कर रहे थे, उसी स्कूल में सर्विस कर रहे थे, और वो सेल्फलेस, मतलब उनको कोई कोई भी क्या है, मतलब खुदगर्जी नहीं थी, वो अपनी इच्छा से ही क्या करते थे, वहां पर सर्विस किया करते थे, ताकि फ्रेंच के लोग क्या हो सके, इंटेलिजेंट हो सके, और ताकि उनको वो क्या कर सके, फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ा सके। लेकिन जब मैं
यानी कि जब फ्रेंच क्या कर रहा था, इन बातों को सोचने की कोशिश कर रहा था, तभी मिस्टर हैमल ने क्या किया, फ्रेंच का नाम को पुकारा। लेकिन नाउ फ्रेंच वॉज वेरी मच अफ्रेड ऑफ थिंकिंग ऑफ द पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल्स के बारे में वो सोच करके बहुत ज्यादा क्या था, दुखी था, क्योंकि पार्टिसिपल्स के बारे में उसको कुछ नहीं आता था। लेकिन अब क्या है, रीडिंग उनसे कराया जा रहा था, मिस्टर हैमल क्या कर रहे थे, फ्रेंच से रीडिंग करवा रहे थे, और उसने सोचा कि अब तो क्या है, पार्टिसिपल्स के बारे में डर नहीं रह गया है, तो मैं क्या करूंगा, अचानक उठ करके क्या कर लूंगा, पढ़ लूंगा, और बिना कोई मिस्टेक किए ही पढ़ूंगा। लेकिन अचानक क्या हो जाता है, फर्स्ट वर्ड ही क्या कर देता है, वो रॉन्ग स्पेल्ड कर देता है, रंग रॉन्ग प्रोनंसिएशन, रॉन्ग तरीके से, गलत तरीके से उच्चारित कर देता है, और ही वॉज वेरी मच अशेम्ड, वो क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा शर्म के साथ खड़ा हो जाता है, होल्डिंग हिज डेस्क, अपने डेस्क को पकड़ करके। नाउ मिस्टर हैमल कहते हैं, he would not scold him, वो उसको डांटेगा नहीं। थिंक अबाउट इट, तुम ही इस बारे में सोचो। वी ऑल द पीपल थिंक, हम सभी लोग सोचते हैं कि देयर्स अ लॉट ऑफ टाइम, यहां पर क्या है, बहुत सारा समय है, हम क्या कर लेंगे, नेक्स्ट डे पर इन काम को टाल देते हैं, लेकिन नेक्स्ट डे कभी भी नहीं आता है। तो हियर, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होते हैं, बहुरी करेगा कब, यानी अपने काम को क्या कर लेना चाहिए, समय पर ही कर लेना चाहिए। तो अब ये जर्मन लोग आ रहे हैं, अब आप क्या करते हो, मतलब ये फ्रेंच लैंग्वेज को नहीं जानते हो, तो जर्मन पीपल क्या करेंगे, आपके जर्मन मास्टर्स जो आएंगे, जर्मन टीचर्स जो आएंगे, आपको देख करके हंसेंगे कि आप ना तो फ्रेंच लैंग्वेज को ना तो बोलना जानते हो, और ना ही क्या करते हो, लिखना जानते हो, तो आप जर्मन लैंग्वेज ही आपसे आज से पढ़ो। लेकिन यू हैव नॉट अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवरसेल्व्स विद, इसका मतलब यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, मीन्स फ्रेंच इज नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, ये फ्रेंच ही केवल उसके लिए उत्तरदायी नहीं है, ऑल द विलेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। द पेरेंट्स ऑफ द चिल्ड्रन यूज टू सेंड देयर चिल्ड्रन ऑन द फार्म्स और एट द मिल्स, ताकि वहां पर फार्म और मिल्स पर वो क्या कर सके, काम कर सके, और थोड़ा सा पैसा कमा करके ला सके, और उनके लाइवलीहुड में वो क्या कर सके, हेल्प कर सके, आजीविका में हेल्प कर सके। एंड देन मिस्टर हैमल ब्लेम्ड ऑन हिमसेल्फ, मिस्टर हैमल भी क्या करते हैं, अपने आप पर ब्लेम करते हैं कि जब मेरे को पढ़ाने की इच्छा नहीं होती थी, तो मैं क्या कर देता था, अपने गार्डन में आप लोगों को भेज देता था, ताकि आप मेरे प्लांट्स को क्या कर सको, वाटर दे सको, मतलब पानी डाल सको, प्लांट्स में पानी डाल सको। और जब मेरे को, यानी मिस्टर हैमल को क्या होने होती थी, फिशिंग करने की विल होता था, इच्छा होती थी, तो वो क्या करते थे, स्कूल में हॉलीडे कर दिया करते थे, और ये भी क्या है, उनके लिए रेस्पॉन्सिबल है, उन बच्चों को वो क्या कर सकते थे, एडुकेटेड कर सकते थे, फ्रेंच लैंग्वेज को सिखा सकते थे, लेकिन जब उनको पढ़ाने की इच्छा नहीं होती थी, तो वो कहते थे, ये जाओ बच्चों, मेरे गार्डन में पानी दे दो, प्लांट्स को सींच दो, और जब मेरे को फिशिंग करने की इच्छा होती थी, तो मैं स्कूल में क्या कर दिया करता था, छुट्टी कर दिया करता था। लेकिन फ्रेंच लैंग्वेज, नाउ ही स्टार्टेड टू अप्रिसिएट द फ्रेंच लैंग्वेज, अब वो क्या करते हैं, अप्रिसिएट करते हैं फ्रेंच लैंग्वेज को। नाउ हियर, व्हाट इज इट दैट फ्रेंच लैंग्वेज इज द मोस्ट ब्यूटिफुल, the most most logical and clearest language in the world, ye bahut zyada beautiful language hai, bahut zyada clearest language hai, aur logical language bhi hai। dekhiye hamare bharat varsh mein kya hai, hindi bhasha boli jati hai, to hindi bhasha hi hame kya karni chahiye, seekhni chahiye, lekin hum hindi ke importance ko kya ho chuke hain, bhul chuke hain, ab hum kya sochte hain ki english bolenge to अच्छे आदमी कहे जाएंगे, लोग वह देखते हैं कि उसको, गांव के लोग देखते हैं कि उसको इंग्लिश आती है, तब
तभी क्या कर सकते हैं, ये क्या हो सकता है, एडुकेटेड आदमी हो सकता है। लेकिन हिंदी भी क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, संस्कृत भी इंपॉर्टेंस रखता है। अब देशों विदेशों में भी संस्कृत लैंग्वेज को पढ़ाया जाता है, हिंदी लैंग्वेज को। हम अपने ही देश में क्या करते हैं, इस लैंग्वेज के महत्व को नहीं देते हैं। तो मतलब हमें अपने नेटिव लैंग्वेज को क्या करना चाहिए, इंपॉर्टेंस देना चाहिए। और वो कहते हैं हैमल कहते हैं कि इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज एंड द क्लियरेस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। जब एक आदमी मीन्स व्हेन अ पीपल आर एनस्लेव, जब एक लोग को क्या कंट्री को एनस्लेव कर दिया जाता है, यानी उनको स्लेव बना दिया जाता है, तो ये लैंग्वेज ही क्या कर सकती है, ये साधन है कि हम क्या कर सकते हैं, उस जेल से क्या कर सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं। देखिए 1857 का रिवॉल्यूशन क्यों क्रश कर दिया गया, क्योंकि एक अंग्रेज स्पाई था, जासूस था, जिसमें एक इंडियन सैनिक भी था, और वो इंग्लिश को समझता था, और उसने अंग्रेजों को जा करके क्या कर दिया, न्यूज दे दिया कि ये क्या करने वाले हैं, रिवॉल्यूशन करने वाले हैं। तो एक दिन पहले ही उन्होंने क्या कर दिया जी, रिवॉल्यूशन को छेड़ दिया, और फिर जगह जगह वह रिवॉल्यूशन हुआ, और उसके बाद वो क्या हो जाता है, क्रश हो जाता है, कुचल दिया जाता है। नाउ हियर, जब क्या है, मिस्टर धोनी कप्तान थे हमारे, भारत के कप्तान थे, तो पाकिस्तान के खिलाफ इंग्लिश बोला करते थे, विकेट के पीछे से इंग्लिश बोला करते थे, ए पुट ऑन द लेग साइड, और बहुत ज्यादा क्विकली बोला करता था, और फिर पुट इन द फ्रंट साइड। और मैंने उड़ी फिल्म देखी थी, उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक, तो एक कैरेक्टर बोलता है, पाकिस्तानी ऑफिसर का कैरेक्टर बोलता है कि अमीजान मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा एसटीडी हो गया है। He wanted to say एसिडिटी हो गया है, लेकिन वो कहता है एसटीडी हो गया है। तो इसका मतलब उनकी इंग्लिश क्या होती है। और देखिए, जब वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच होता था, इंग्लैंड के खिलाफ मैच होता था, तो मिस्टर धोनी क्या करते थे, हिंदी भाषा में बोला करते थे। तो ये क्या है, हमारे लिए लैंग्वेज क्या होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। लेकिन फिर उन्होंने क्या किया, मिस्टर हैमल ने ग्रामर पढ़ाना शुरू किया, एंड ऑन दैट डे फ्रेंड्स वॉज एबल टू ग्रास्प हिम टोटली, अच्छी तरीके से उसको क्या कर सकता था, समझ सकता था। इसका मतलब दो रीजन हो सकता है कि उसने, मिस्टर हैमल क्या कर रहे थे, वो अच्छी तरीके से बच्चों को पढ़ा रहे थे, या तो क्लास के बच्चे उनको अच्छी तरीके से सुन रहे थे, इसलिए वो क्या कर रहे थे, अंडरस्टैंड कर रहे थे, उनकी बातों को समझ रहे थे। देन He took the writing section. उसके बाद उन्होंने क्या लिया, राइटिंग सेक्शन लिया। नाउ इन ऑन टू टीच द राइटिंग सेक्शन ही हैड ब्रॉट द न्यू कॉपीज। ऑन द कवर पेज ऑफ द कॉपीज इट वॉज रिटन फ्रांस एसेज रिटन लाइक द फ्लैग्स फ्लोटिंग फ्रॉम हेयर टू देयर। ऐसा लग रहा था ये फ्लैग्स हैं जो डेस्क के ऊपर लगे हुए हैं, जिस तरीके से होलिका दहन के दिन हम क्या करते हैं, छोटे 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 तिकोने टाइप के फ्लैग्स लगा दिया करते हैं ताकि हम सेरेमनी को कर सके, उसी तरीके से ऐसा लग रहा था वो क्या है, फ्लैग्स लगे हुए हैं। और इसके सभी लोग क्या कर रहे थे, लिखने में व्यस्त थे। ओनली द साउंड ऑफ द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, केवल पेन का नॉइज आ रहा था, जो पेन चल रहा था उसी का साउंड आ रहा था, बाकी किसी का साउंड नहीं आ रहा था। तभी एक बीटल क्या होता है, उड़ करके आता है क्लासरूम में, और बीटल एक क्या होता है, छोटा सा कीड़ा होता है, उस वो उड़ करके आता है, और किसी आदमी ने उसके ऊपर ध्यान नहीं। देखिए, जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो जब क्या हो जाता था, पिजन आ जाता था क्लासरूम में, कबूतर आ जाया करता था, तो हम लोग उसको बड़े ज्यादा आश्चर्य से देखते थे, ऐसा लगता है कि हमने इस पक्षी को कभी भी नहीं देखा। लेकिन उस दिन बच्चों ने जो क्या है, बीटल भी आता है, तो छोटे बच्चों ने भी उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, एंड दे वर ऑल्सो बिजी इन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स। व्हाट इज द फिश हुक्स,
देखिए फिश हुक से जैसे हम क्या करते हैं, आरा टेढ़ा लाइन खींच देते हैं। जो बच्चे क्या है, जब हम शुरू में बच्चों को पढ़ाते हैं या शुरू में बच्चे क्या करते हैं पढ़ना लिखना सीखते हैं, तो पेपर के ऊपर कुछ आरे टेढ़े लाइन बना देते हैं, उसी को वो या तो हिंदी लैंग्वेज समझते हैं या इंग्लिश लैंग्वेज समझते हैं या फ्रेंच लैंग्वेज। तो उन बच्चों के लिए क्या था, वही फ्रेंच लैंग्वेज था। लेकिन छत के ऊपर कुछ पिजन्स क्या कर रहे थे, कू कर रहे थे, कबूतर कू कर रहे थे। तो मैंने सुना, फ्रेंड्स ने सुना, तो उसने सोचा क्या ये पिजन्स को भी, जर्मन लोग पिजन्स को भी क्या बना लेंगे, स्लेव बना लेंगे? नहीं, क्योंकि दे आर फ्री, वो क्या है, फ्री हैं, उनको स्लेव नहीं बना सकते, उनके ऊपर अपनी भाषा को क्या कर सकते हैं, इम्पोज नहीं कर सकते हैं। नाउ फ्रेंड्स वॉज ऑल्सो बिजी इन राइटिंग। जब वो फ्रेंड्स क्या कर रहा था, राइटिंग कर रहा था, तो थोड़ा बहुत थक जाया करता था, तो उस सर को उठा करके देखता था, तो देखता था मिस्टर हैमल वॉज लुकिंग फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड, एक साइड से दूसरी साइड की तरफ क्या कर रहे हैं, वो देख रहे हैं। और हेयर इट सीम्स दैट ही वॉन्टेड टू फिट ईच एंड एवरी थिंग इन टू हिज माइंड, अपने माइंड में हर चीजों को वो क्या कर लेना चाहते थे, फिक्स कर लेना चाहते थे। Here, क्योंकि nothing has been changed, वहां पर समय के साथ साथ कुछ भी चेंज नहीं हुआ था। ओनली द डेस्क हैड बिकम स्मूदर, डेस्क क्या हो गए थे, स्मूद हो गए थे, क्योंकि चिकनाई हो गई थी, क्योंकि वहां पर बैग रखा रहता था और बार बार बैग रखते थे तो वो क्या है, थोड़े से चिकने हो गए थे, और जब हम बैठते थे वो भी क्या हो जाते थे, समय के साथ चिकने हुए। द वॉलनट ट्री हैज ग्रोन टॉलर, वॉलनट ट्री क्या हो गया था, बहुत ज्यादा लंबा हो गया था। विच एंड द होप वाइन, जो क्या है, एक क्लाइंबर है जो उन्होंने खुद ही क्या किया था, प्लांट किया था, वो क्या है, अब उनके विंडो से लेकर के छत तक चला गया था। उसके बाद कुछ भी चेंजेस नहीं हुए थे। लेकिन तभी अचानक उन्होंने सुना कि अपनी उनकी सिस्टर यानी एम हैमल की सिस्टर क्या कर रही है, ट्रंक को पैक कर रही है। ट्रंक का मतलब होता है बॉक्स को पैक कर रही है, क्योंकि उनको अगले ही दिन कंट्री को छोड़ करके जाना था। कंट्री हियर स्टैंड्स फॉर द एलसेस, एलसेस को छोड़ करके जाना था। लेकिन मिस्टर हैमल को बहुत ज्यादा हिम्मत थी कि वो क्या करते थे, हर चीज को, किसी भी चीज को क्या करते थे, अधूरा नहीं छोड़ते थे। एंड देन व्हाट ही सेड, व्हाट ही टॉट, उन्होंने क्या पढ़ाया, ही स्टार्टेड टू टीच द हिस्ट्री, हिस्ट्री लैंग्वेज, उन्होंने हिस्ट्री लैंग्वेज को पढ़ाना शुरू कर दिया। एंड देन आफ्टर द हिस्ट्री ही स्टार्टेड टू टीच द स्मॉल चिल्ड्रन टू रिसाइट बा बे बी बू लाइक दैट। एंड ओल्ड हॉसर वॉज ऑल्सो रिसाइटिंग दीज लेटर्स इन इन वर्णों को, वो क्या कर रहा था जी, ओल्ड हॉसर भी रिसाइट कर रहा था, प्रोनंसिएट कर रहा था, उच्चारित कर रहा था। और वो जब वो क्या कर रहा था, उच्चारित कर रहा था, उसके उसके उस लैब में क्या पड़ा हुआ था, प्राइमर पड़ा हुआ था। प्राइमर का मतलब होता है ग्रामर बुक जो पढ़ा हुआ था, और लैब में लेकर के, लैब में लेकर के बैठा हुआ था, गोद में लेकर के बैठा हुआ, उसके साथ बच्चों के साथ वो भी रिसाइट कर रहा था, उस वो भी प्रोनंसिएट कर रहा था, उच्चारित कर रहा था। लेकिन हम उसकी आवाज को सुन करके क्या करना चाहते थे, हंसना चाहते थे, क्योंकि वो रो रहा था, उसकी वजह से उसकी आवाज क्या हो रही थी, लड़खड़ा रही थी, साफ सुथरी नहीं आवाज आ रही थी। लेकिन किसी को भी हिम्मत नहीं हुई कि वो क्या कर सके, उसकी आवाज पर हंस सके, ठहाका मार सके। तभी क्या होता है कि प्रशियन सोल्जर्स अपने ड्रिलिंग से यानी मार्चिंग से वापस लौट करके आते हैं। एंड देन द एंजेलस, और एंजेलस का मतलब होता है, तब क्या हो जाता है, प्रेयर टाइम हो जाता है। मिस्टर हैमल स्टूड अप, मिस्टर हैमल क्या हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। मिस्टर हु वाज मिस्टर हैमल, द फ्रेंच टीचर, फ्रेंच टीचर होते हैं मिस्टर हैमल, वो बहुत मतलब खड़े हो जाते हैं। एंड ही वॉज लुकिंग सो टॉल, यहाँ पर वो क्या है, टॉल, वो तो ऑलरेडी टॉल तो थे ही, फिजिकली टॉल नहीं, ऑन दैट डे ही वॉज लुकिंग सो ग्रेट, वो बहुत ज्यादा हम लोगों के लिए क्या नजर आ रहे थे, महान नजर आ रहे थे, बच्चों के लिए और विलेजर्स के लिए भी महान नजर आ रहे थे। लेकिन नाउ हिज ही वॉन्टेड टू से समथिंग, वो कुछ कहना चाहते थे, बट हिज थ्रोट चॉक्ड, उनका गला क्या हो गया, रुंध गया, क्योंकि वो भी क्या हो रहे थे, आंसुओं को पी रहे थे। और इसलिए उन्होंने हिम्मत किया, एंड ही टर्न टुवर्ड्स द ब्लैक बोर्ड, और ब्लैक बोर्ड की तरफ क्या करते हैं,
वो मुड़ते हैं एंड विद अ लॉट ऑफ एफर्ट विद ऑल हिज स्ट्रेंथ ही पिक्ड अप हिज चॉपस्टिक्स अपने चॉपस्टिक्स को उठाते हैं एंड बियरिंग ऑल हिज माइट अपने पूरे शक्ति को इस्तेमाल करके थ्री वर्ड्स लिख देते हैं वाइवे लॉ फ्रांस. वाइवे लॉ फ्रांस का मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद. एंड देन ही मेट द कैशियर, उन्होंने जेस्चर बनाया कि साइन बनाया कि द क्लास इज क्लास इज डिसमिस. अब क्या है, क्लास डिसमिस किया जा रहा है, आप क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं. अब मेरे को यानी फ्रेंड्स को लास्ट लेसन जो था उसको बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से याद था क्या क्या मिस्टर हैमल ने उसको पढ़ाया था. इट मीन्स देखिए हमें क्या करना चाहिए, लिंग्विस्टिक शोविनिज्म में बिलीव भी करना चाहिए, हमें लैंग्वेज को क्या करना चाहिए, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए. थैंक यू वेरी मच. हेलो माय डियर फ्रेंड्स, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ द चैप्टर द लास्ट लेसन व्हिच हैज बीन रिटन बाय अल्फोंसे डोरी. नाउ द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट वाज द मूड ऑफ द क्लासरूम व्हेन एम हैमल गिव हिज लास्ट फ्रेंच लेसन. नाउ द आंसर इज दैट व्हेन मिस्टर हैमल हैड गिवन हिज लास्ट फ्रेंच लेसन, नाउ the environment and the atmosphere of the classroom was very solemn and serious and peaceful. And now the people who were sitting there in on the back benches, they were very stunned, surprised, because now they will have to leave the French language, that is their mother tongue. Wo kya tha, unka matribhasha tha, French, France ke logo ka फ्रेंच लैंग्वेज क्या थी, मातृभाषा थी. और वो क्या, उनको क्या किया जा रहा था, जर्मन क्या कर रहे थे, उनसे छीन रहे थे. इसकी वजह से वो क्या कर रहे थे, पछता रहे थे. कौन, मींस फ्रेंड्स, फ्रेंड्स कंट्री के लोग क्या कर रहे थे, पछता रहे कि अब हम क्या करेंगे, स्कूल नहीं जा पाएंगे और फ्रेंच लैंग्वेज को कभी भी सीख नहीं पाएंगे. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज what had the narrator counted on to enter in the classroom unnoticed? Now, the answer is that when the narrator, that is the friends, जो क्या है, friends है, एक लड़का है, वो सोचता है कि जब मैं क्या करूंगा, जहां पर क्या है, क्लासरूम में क्या होगा, स्कूल में बहुत ज्यादा हसल बसल होगा, बहुत सारी नॉइज होगी, और वहां पर क्या होगा, बहुत ज्यादा कमोशन भी होगा. कमोशन का मतलब कंफ्यूजन हो जाएगा, तो इसका मतलब मैं क्या करूंगा, स्टिलली यानी चुपके से फ्रेंड्स क्या करेगा, क्लास के अंदर एंटर हो जाएगा. एंड दिस वॉज द प्लान what Franz thought about to enter in the classroom here. Now the third question is, this is the last French lesson. How did Franz react to this declaration of M. Hamel? Now when M. Hamel declared that this was the last French lesson, every people a pupil who were sitting in the classroom, they were very much surprised. It was like the lightning. ऐसा लग रहा था ये क्या है, लाइटनिंग, थंडर क्लैप है, वज्रपात हो गया. और सभी लोग क्या कर रहे थे, रिग्रेट फील कर रहे थे, पछतावा हो रहा था कि हमने क्या किया है, अपनी मातृभाषा को, अपनी मदर टंग को क्या कर दिया है, नेग्लेक्ट कर दिया है, जानबूझ के, डेलिबरेटली का मतलब जानबूझ करके हमने क्या कर दिया है, इस मदर टंग को, फ्रेंच लैंग्वेज को क्या कर दिया है, नेग्लेक्ट कर दिया है. मतलब हम लोगों ने क्या कर दिया, जानबूझ करके उस लैंग्वेज की तरफ यानी फ्रेंच लैंग्वेज की तरफ हमने कभी भी ध्यान नहीं दिया. नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज what a thunder clap these words were to me which was the shock. Now when Mr. Hamel announced that the order has come from Berlin to teach only the German language in the schools of Alsace and Lorraine, then
इट वॉज अ थंडर क्लैप, ये क्या था, वज्रपात था सारे स्टूडेंट्स के लिए या फ्रेंड्स के लिए, और सारे फ्रेंड्स के लोगों के लिए क्या था, बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है लाइटनिंग हो गई और उसमें उसके शरीर उनके शरीर पर क्या हो गई, बिजली गिर गई। फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाट चेंजेस केम ओवर लिटिल फ्रेंड्स आफ्टर आफ्टर ही हर्ड एम हैमल्स अनाउंसमेंट। नाउ व्हेन M. Hamel, Mr. Hamel announced that it was their last lesson. ये क्या है? उनका French का last language है, French language का last language है, तो he did not, means France did not want to leave that language. उसको वो क्या है, अपने French language को करना चाहता था, छोड़ना नहीं चाहता था। उसको पहले grammar क्या लगता था, बहुत ज्यादा हार्ड लगा करता था, हिस्ट्री बहुत ज्यादा हार्ड लगी रहती थी, और उसके बैक क्या होते थे, बहुत ज्यादा हैवी नजर आते थे। वो क्या है, उन सब वो उसके लिए वो क्या हो गया, बहुत ज्यादा इजी हो गया, और वो मिस्टर हैमल को कभी नहीं रेस्पेक्ट देता था क्योंकि वो क्रैंकी पर्सन थे, क्रेजी पर्सन थे, और वो उनके प्रति भी क्या करने लगा, रेस्पेक्ट दिखाने लगा। इसका मतलब मिस्टर हैमल को भी फ्रेंड्स वहां से नहीं जाने देना चाहता था, फ्रेंच स्कूल से नहीं जाने देना चाहता था। थैंक यू वेरी मच।